नमो नमः संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां पुनरेकदा स्वागतम् अहमस्मि अशोककुमारः अद्य वयं षेमुषि द्वितीयभागः इति पुस्तकस्य द्वादशपाठस्य द्वितीयं भागं पठिष्यामः अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति अन्योक्तयः अस्य अर्थः अस्ति अप्रत्यक्षाणि परोक्षाणि संकेत माध्यमेन कथितानि च वचनानि अर्थात अन्यशां कृते कथिताः उक्तयः अन्योक्तयः भवन्ति अन्योक्तयः इति पदं एकारान्तस्य स्त्रीलिंगस्य अन्योक्तिः इति शब्दस्य प्रथमा विभक्ते बहुवचनांत रूपं इति प्रिय छात्रो संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम सेमुषी द्वितीय भाग इस पुस्तक के बारहवें पाठ के द्वितीय भाग को पढ़ेंगे पाठ का शीर्षक है अन्योक्त अन्योक्त यह शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अन्योक्ति का प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप है यह अन्य और उक्त इन दो पदों के संधि करने से बना है प्रथमे भागे वैम प्रथम सुभाषित एकदा पुनः स्मरण कूम प्रथम श्लोक राजोभा सरसो भव बक सहस्रेण परीतस्थिरवासिना अन्वयः एकीन राजहन्सेन सर्सः या शोभा भवेत परितः तीरवासिना बकसहस्रेण सा शोभा न भवति भावार्थः सरोवरे यदि एकः अपि राजहंसः भवति तर्हि अपि सरोवरः शोभते किंतु सरोवर तटम यदा सहस्रं बका तदा तदापी सरोवर न शोभ से अर्थात सहस्रस्ट बकानापेक्षक राज महत्व अवती राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है बच्चों वह तालाब के किनारे रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती अर्थात हजारों बगुलों की अपेक्षा एक राजहंस का महत्व अधिक होता है बच्चों, हंस और बगुले की तुलना करने वाला एक श्लोक आपने अवश्य पढ़ा या सुना होगा हंस स्वेत बक स्वेत को भेद बक हंस यो नीरक्षीर विवेकेतु हंसो हंस बको बकह अर्थात हंस भी श्वेत रंग का होता है और बगुला भी फिर इन दोनों में अंतर क्या है यदि दूध और पानी को मिश्रित करके हंस के सामने रख दिया जाए तो बच्चों हंस उसमें से केवल दूध दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा बगुलों में यह सामर्थ्य नहीं होता इसलिए हंस को विशेष माना गया है अतः हजारों बगुलों के स्थान पर एक राजहंस से ही सरोवर की शोभा अधिक होती है। द्वितीय श्लोकः भुक्ता मरणाल पटली भवतानि पीता न्यम्बुनि यत्र नलिनानि निशेवितानि रे राजहंस वद्दस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः अन्वयः यत्र भवता मृणालपटली भुक्ता अंबूनी निपितानि नलिनानी निशेवितानी रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भवितासि वद भावार्थः हे राजहंस भवान यस्य सरोवरस्य कमलनाल समूह खादितवान संपूर्ण जलम पीतवान कमलानि च सेवितवान अर्थात सह सरोवर भवत कृते बहु कि अधुना वद भवान कथम तस्य प्रत्युपकार करिष्यति हिंदी अर्थः हे राजहंस जहाँ तुम्हारे द्वारा कमलनालों के समूह को खाया गया जिस सरोवर का पानी पिया गया कमलों का सेवन किया गया उस सरोवर का किस कार्य से प्रत्युपकार करोगे यह बताइए तृतीय श्लोक तो रपि करुणया भीम भानौ निदाघे मालाकार व्यरचि भवता या तुष्टि सा किं शनय प्रृषेण्यन नपि विकरता विश्वतो विश्व वारिदेना अन्वय हे मालाकार भीमानौ निदाघे तो भवता करुणया अस्य तरोहो या पुष्टि व्यरचि वाराम प्रश्येण येन विश्वता धारा धारासारा विकिरता वारिदेन इह सा पुष्टि किं शक्या वृक्षः अत्यधिक जलं वृक्ष चेत् जलम तस्य चेत वृद्धि किंतु वर्षा यदा जलस्य आवश्यकता न भवती, तदा वृक्षाय यदि अत्यधिक जल तेन जलदान कि प्रयोजन नास्त अर्थात आवश्यकता काले मनुष्य कृत्य सहाय से महत्व अत्यधिक हिंद्य हे माली इस ग्रीष्मकाल की भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो संवर्धन किया गया है क्या वर्षाकालीन जल के चारों ओर से धाराओं के बरसाते हुए बादल के द्वारा यह संवर्धन संभव है क्या भाव यह है कि आवश्यकता के समय की गई सहायता का ही महत्व होता है और व्यक्ति उसी के लिए कृतज्ञ भी होता है प्रिय छात्रा अधुना चतुर्थम श्लोक पठाम आपे पथम परीता पतंगा भृंगारुकुलाश्रय शोच मंच तरस्वय दीन दीनो मीनो गतिम् अभ्यपेतु। पदच्छेदा आपि देरे अंबर पथम परिता हा पतंगा हा भ्रिंगा हा रसाल मुकुलानी समास त्रयंते संकोचम अनचती सरहत त्वई दीन दीना मीना नू हंता कतमा गतिभ्युपन्वय पतंगा पीत अंबरपथमापेरे पतंग भृंगा रलमुकुला सश्रय से सर तय संकोचम हंत दीन दीन हा मीन नु कतमा गतिम्युपैत भावा ग्रीष्मकाले यदा जलं समाप्तं भवति तदा सर्वे पक्षिणः आकाशमार्गेण इतस्ततः जलं पश्यन्ति भ्रमराः वृक्षाणां मुकुलेषु जलस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति हे सरोवर भवतः समीपम जलं न भवति चेत् एते दयनीयाः मीनाह काम गतिम प्राप्स्यन्ति अर्थात् यदि आश्रयदाता संकोचम कुरियात तदा तस््रिता जना दुर्गति ही तु सुनिश्चिता हिंदी अर्थ पक्षी चारों ओर आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं अर्थात पक्षी उड़कर आकाश से जल का अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं और उन्हें जहां पानी दिखाई देता है वहां पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने में समर्थ होते हैं भंवरे भी आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं वे का रस कर अपनी प्यास भुजा रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर अर्थात जलहीन होने की स्थिति में अत्यंत दयनीय ये मछलियां किस गति को प्राप्त करें? अर्थात आश्रयदाता ही यदि संकोच करने लगे तो उस पर जो आश्रित है उसकी दुर्गति तो निश्चित है शब्दार्थ आपे दिरे अंबर पथम, आपे दिरे धन अंबर अंबरपथम आपी दिरे अर्थात प्राप्तवंत प्राप्त कर लिए अथवा पहुंच गए अंबर पथम आकाश मार्गम आकाश मार्ग को पतंगा खगा पक्षी, भ्रिंगाहा, ब्रह्मराहा, भवरे, रसाल मुकुलानी, रसालानाम मुकुलानी, रसालानाम अर्थात आमरानाम मुकुलानी मंजरया आम की मंजरिया, छात्रा अत्र तत्पुरुष समास हा अस्ति, संकोचम अनचती, संकोचम गच्छति अथवा संकुचितः भवति भवती, अभी धन उपेतु प्राप्नोतु हिंदी अर्थ प्राप्त करें दीन दीनः दीनेशु दीनः अत्यधिक दायिनीयः मीनः मत्स्यः अधुना पञ्चमम् श्लोकम् पठामः एकाएव खगो मानि वने वसति चातकः पिपासितो वा वाम्रियते याचते वा पुरंदरम पदच्छेद एक खग मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम अधुना अस्य अन्वयं पश्यामः एकः एव मानी खग चातक वने वसति सह पिपासी म्रियते वा पुरंदर याचते वा भावार्थ वने एक स्वाभिमानी पक्षी चातक निवसति सह वर्षा जलम विहाय अन्यत्र विद्यमानं अन्द्र जल न पिबती इंद्र यदा वृष्टि करोति तदा एव सह वृष्टि जलम पीत्वा स्वस्य पिपाशाया हा समनम करोति यदि वृष्टि ही न भवति तर ही पिपाशाया मृयते परंतु अन्यत्र विद्यमानम जलम सह न पिबते अर्थात संसारे प्रत्येकम मानवात् याचनस्य अपेक्षया यह दातुम समर्थः अस्ति तस्मात् एव याचनम करनियम इति भावार्थः छात्रों एक स्वाभिमानी पक्षी चातक ही वन में निवास करता है और वह या तो प्यास से मर जाता है अथवा केवल इंद्र से ही जल की याचना करता है छात्रों यहां चातक पक्षी के माध्यम से हमें स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी गई है जिस प्रकार चातक पक्षी केवल इंद्र से वर्षा के जल की याचना करता है अन्य कहीं से प्यास शांत नहीं करता है उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक के समक्ष मांगने के स्थान पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और जो देने में समर्थ है केवल उसी से ही याचना करनी चाहिए अधुना अस्य शब्दार्थन पश्यामः एक एवा, एकह धन एवा, एक ही खगो मानी खगह धन मानी मानी अर्थात स्वाभिमानी पिपासितो वा पिपासितह धन वा मियते मरण प्राप्नोति मर जाता है पुरंद्रम इंद्रम इंद्र को अधुना शष्ठम स्लोकम पठा महा आस्वास्ये पर्वतकुलम तप्नोष्ना तप्त उद्धाम दावे च काननानि नाना नदी नदशतानि च पूरयितवा रिक्तोसी यद् जलदा सैव अधुना अदच्छेदं पश्यामः आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम् उद्दामदावविधुराणि च काननानि शतानी च पूरयित्वा रिक्तः असि यत् जलद सा एव तव उत्तमा श्रीः अधुना अन्वयं पश्यामः हे जलद त्वं तपनोष्णतप्तं पर्वतकुलम् आस्वास्य उद्दामदावविधुराणि काननानि च आस्वास्य नानानदीनदशतानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्तः असि सारिक्तता एव उत्तमाहा श्रीहि अस्ति अधूना अस्य भावार्थम् पश्यामहं यथा मेघह स्वयं वर्षितवा सूर्यातपेन तप्तान पर्वतान आस्वासायति वृक्षान वनानि च नदी नदीहि नदान दीर्घाह नद्यह एव नदाह कत्यंते तांचा पूर्यति एवं सर्वेशां त्रिप्तिम कार्यित्वा स्वयं रिक्तः भवति सा रिक्तता एवं तस्य शोभा भवति तथाइवा निस्वार्थ भावेना अन्येशां सहयोगम कृतवा मनुष्यः पी सोभते हिंदी अर्था सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को जल से तृप्त करके अर्थात जल बरसा करके विविध नदियों तथा सैकड़ों नदों अर्थात तालाबों नालों को जल से भरकर जो तुम रिक्त हो गए हो यह तुम्हारी उत्तमा शोभा है भाव यह है कि जैसे बादल की शोभा जल बरसाने तथा सभी को तृप्त करने से होती है उसी प्रकार निस्वार्थ कल्याण करने से ही व्यक्ति शोभित होता है शब्दार्थ आश्वास्य आश्वासनम प्रदाय अर्थात तृप्त करके तपनोष्ण तप्तम तपनस्य उष्णेन तप्तम सूर्य की गर्मी से तपते हुए को पर्वतकुलम पर्वतानां कुलम पर्वतों के समूह को उद्दामदाव विदुराणि ये येदावाह तेभ्य विदुराणि अर्थात उन्नत काष्ठ रहितानि ऊंचे वृक्षों से रहित को नाना नदी नदशतानि नाना नदी नाम नदा नाम च शतानी विविधा नदीना अर्थात अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को काननानी वनानी वन पूरय्वा कृत्वा अर्थात भरकर तवोत्तम तव धन उत्तमा तुम्हारी उत्तम स्त्री शोभा अथवा सुंदरता छात्राः अद्य वयम् अन्योक्तयः इति पाठं पठितवन्तः चतुर्थे श्लोके वयं पठितवन्तः यत् यदा सरोवरः जलविहीनः भवति तदा खगाः भ्रमराः इत्यादयः तु जलस्य अन्वेषणाय सरः त्यक्त्वा अन्यत्र गच्छन्ति जीवन्ति च परं पूर्णतया आश्रिता मीनानाम कीदृश स्थिति सत इति चिंतनीयम बच्चों चौथे श्लोक में हमने पढ़ा कि जब सरोवर का पानी सूख जाता है तो पक्षी उड़ करके आकाश मार्ग में जाकर ऊपर से धरती पर पानी का अन्वेषण करते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं भ्रमर भी आम की मंजरियों से रस को चूस करके अपनी प्यास बुझा लेते हैं पर नदी में रहने वाले उन मछलियों की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं होता विचार कीजिए उनकी क्या स्थिति होगी पंचमे श्लोके वित स्वाभिमानी चातक पक्षी एवं वनम विहाय कुत्रापि न गच्छति सह केवलम वर्षाया जलम पिबती सह पिपाशीतः मरण प्राप्त अथवा इंद्रम वर्षाए प्रार्थना करोति। बच्चों पांचवें श्लोक में हमने पढ़ा कि चातक ही एक ऐसा वनवासी पक्षी है जो केवल वर्षा का पानी ही पीता है और वर्षा न होने की स्थिति में या तो मर जाता है या केवल इंद्र से ही बारिश के लिए प्रार्थना करता है षठे श्लोके वयम पठित यत् यथा मेघः स्वयं वर्षित्वा सूर्यातपेन तप्तान् पर्वतान वृक्षान् वनानि च नदी हि नदांच जलेन पूरयति एवम् सर्वेशां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं ऋक्तः भवति छात्राः सारिकता एव तस्य शोभा भवति मेघवत् निस्वार्थ भावेन अन्य सहयोगम अपि अभी मनुष्य शोभते सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वत समूहों को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वन को जल से तृप्त करके अर्थात जल बरसा करके विविध नदियां तथा सैकड़ों नदों तालाबों नालों को जल से भर करके मेघ स्वयं रिक्त हो जाता है वही मेघ की उत्तम शोभा होती है भाव यह है कि जैसे बादल की शोभा जल बरसाने से है तथा सभी को तृप्त करने से होती है उसी प्रकार निस्वार्थ कल्याण करने से ही व्यक्ति इस संसार में सुशोभित होता है छात्रा अद्यतावत एकदृश उत्तमा उक्त स्वीकृत पुनः चर्चां करिष्यामः भवेत् तावत् मंगलम् धन्यवादः